Hi student, welcome back to our online class. This is the class 8 science, second part of video, and the chapter name is Sky Mirror. In the first part of video, we have learned about our celestial object and our moon and some planets and their special features. In this chapter, now start with the sky, Jupiter. In the first part of video, we also learned Mercury, Venus, Earth and Mars, the earlier four planets distance from the sun. It's also called inner planet. Now let's start with the Jupiter. It is the biggest and largest planet in the solar system. Jupiter is the biggest and largest planet in the solar system. About their volume and their area is much more than other planet. Its position is fifth position according to the distance from sun. Position is the fifth position. Position की बात करें तो ये क्या है? Fifth position पर है. Biggest planet and largest planet. Second of it is Jupiter has 28 known natural satellites like the Earth. Earth has only one natural satellite and the name is Moon. Like the Earth, Jupiter has 28 known natural satellite means अभी तक जो astronomers हैं उन्होंने found किया है कि उसके कितने natural satellite हैं. 28 natural satellite हैं Jupiter के. Natural satellite क्या होता है? जो planet का अराउंड लगाता है एक ऑर्बिट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट के जो अराउंड लगाते हैं जो बॉडी, उसको हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट. जुपिटर हैज 28 नोन नेचुरल सैटेलाइट. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज कोई क्वेश्चन आता है जुपिटर के कितने सैटेलाइट हैं, सो आंसर इज 28 नोन नेचुरल सैटेलाइट जुपिटर. थर्ड, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन. नेक्स्ट पॉइंट इज इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मोर देन द सन टोटल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्लियर फोर प्लैनेट. अर्लियर फोर प्लैनेट मींस इट इज आल्सो इनर प्लैनेट. व्हाट इज इनर प्लैनेट एंड व्हाट इज आउटर प्लैनेट वी हैव आल्सो लर्न्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो. अकॉर्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन द फर्स्ट फोर प्लैनेट Mercury, Venus, Earth and Mars. इनको हम क्या बोलते हैं? Inner planet बोलते हैं. इनको inner planet बोलते हैं. Then उसके बाद Jupiter और जो भी planet हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Outer planet बोलते हैं. So third point, its distance from the sun is more than the sum total of the distance of the earlier four planet. This is the sun. इनका सन से जो डिस्टेंस है और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उनको जब सम किया जाए तो किसका डिस्टेंस निकलता है? जुपिटर का डिस्टेंस निकलता है. तो थर्ड पॉइंट इज आल्सो इंडिकेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मोर देन द सम टोटल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्लियर फोर प्लैनेट. जुपिटर जो है, इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका हीट, सन का जो हीट और लाइट रहता है उसको ये लार्ज अमाउंट पे क्या करता है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है. जुपिटर बात करें जुपिटर के कंपेरिजन में अर्थ के एरिया के बारे में तो 10 टू 11 टाइम मच बिगर
10 से 11 गुना बड़ा है अर्थ के कंपेयर में जुपिटर का जो एरिया है। तो एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा, ट्रैप करेगा सनलाइट को ज्यादा, सनलाइट को ट्रैप ज्यादा करेगा, और ट्रैप करने के बाद उसका जो आउटर मोस्ट सरफेस है या ये कहें कि जुपिटर का जो आउटर मोस्ट सरफेस है वो क्या करता है, लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो लाई के विनस एंड मरकरी जो कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट है उनके अकॉर्डिंग भी इनका सरफेस ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होता है, तो ये भी क्या करते हैं, मच मोर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो दिस इज द अबाउट जुपिटर, बिगेस्ट प्लैनेट एंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इट्स जुपिटर। पोजिशन इज द फिफ्थ पोजिशन इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर हैज 28 नोन नेचुरल सैटेलाइट। इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मोर देन द सन, टोटल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्लियर फोर प्लैनेट और इनर प्लैनेट। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर सैटर्न। सैटर्न इज द सिक्स नंबर ऑफ प्लैनेट विच प्लेस्ड इन द सोलर सिस्टम। और नेक्स्ट टॉपिक सैटर्न, सैटर्न दिस इज द सिक्स प्लैनेट फ्रॉम द सन। पोजिशन इज द सिक्स इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न पोजिशन इज द सिक्स नंबर का प्लैनेट है एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट और बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। व्हाई सेकेंड लार्जेस्ट और बिगेस्ट प्लैनेट, सैटर्न को क्यों सेकेंड लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट प्लैनेट, बिकॉज देयर एरिया एंड वॉल्यूम इज द सेम एज द जुपिटर। सो इट इज सेकेंड लार्जेस्ट, नॉट सेम बट लाइक सेम, उसकी तरह ही सेम है, लगभग अबाउट लगभग क्या है, उसकी तरह सेम है, इसलिए इसको सेकेंड लार्जेस्ट और बिगेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। फर्स्ट लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट प्लैनेट इज ऑल्सो जुपिटर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट प्लैनेट इज सैटर्न एंड द पोजिशन इज द सिक्स पोजिशन फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इट्स नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट्स वॉल्यूम एंड नेचर इज सेम एज जुपिटर। वॉल्यूम अभी जैसे मैंने जस्ट पहले बताया कि इसका वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, सरफेस भी लाइक सेम जुपिटर की तरह है। इट्स वॉल्यूम एंड नेचर इज सेम एज जुपिटर बट इज कोल्डर देन जुपिटर। इट्स वॉल्यूम एंड नेचर की बात करें मतलब आउटर मोस्ट सरफेस जो हो गया इसका क्रस्ट पार्ट हो गया एंड जो आउटर सरफेस है वो लाइक एज जुपिटर की तरह सेम है। बट जो टेम्परेचर की बात करें जब इसमें हम टेम्परेचर इंक्लूड करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो जुपिटर से क्या है, कोल्डर, मतलब कोल्ड है जुपिटर से। जुपिटर के कंपेयर में सैटर्न क्या है, कोल्डेस्ट प्लैनेट। क्यों कोल्डेस्ट प्लैनेट है, तो जैसे कि ये सन, इट इज अ सन एंड दिस इज द प्लैनेट। सन का जो हीट है, अगर जैसे हम कहीं पे आग गए तो आग के पास जाएंगे तो क्या होगा, हीटनेस ज्यादा हमको फील होगा, और दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, हीटनेस हमको कम फील होगा। सो जो फर्स्ट प्लैनेट है उसको हीटनेस ज्यादा मिलेगा सेकेंड के कंपेयर में, थर्ड को सेकेंड के कंपेयर में कम हीटनेस मिलेगा। सो जुपिटर और सैटर्न इन दिस पोजिशन 1, 2, 3, 4, 5 फाइव नंबर प्लैनेट इज जुपिटर एंड सिक्स प्लैनेट इज, सिक्स नंबर पोजिशन प्लैनेट इज सैटर्न। तो इसको हीटनेस ज्यादा मिल रहा है इसके कंपेयर में, सो इट इज द कोल्डर देन जुपिटर। सो सेकेंड पॉइंट फिर से रिवाइज करेंगे, इट्स वॉल्यूम एंड नेचर सेम एज जुपिटर बट इट इज कोल्डर देन जुपिटर। दिस लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोल्डर होता है जुपिटर से, नेचर और वॉल्यूम सेम होता है। थर्ड, सैटर्न हैज 30 नोन सैटेलाइट्स। रिमेंबर इट, सैटर्न हैज
30 नोन सैटेलाइट्स, जुपिटर हैज 28 नोन सैटेलाइट्स, सैटर्न हैज 30 नोन सैटेलाइट। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द अराउंड सैटर्न, द प्लैनेट्स मोस्ट फेमस फीचर्स इज इट्स प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम। व्हाट इज रिंग सिस्टम? सपोज वी लुक द प्लैनेट, देयर आउटर सरफेस वी हैव सीन अ रिंग, दिस इज द रिंग सिस्टम। और ये रिंग जो है कंसिस्ट होता है, इसलिए बना रहता है, तो ये मोस्टली आइस पार्टिकल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड सम अदर गैसेस से ये कंसिस्ट होता है। The planet most famous feature is prominent ring system. We have also seen this ring with the help of telescope. हम इस रिंग को देख सकते हैं। इसकी सहायता से जो टेलीस्कोप होता है, जिसमें हम किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसकी सहायता से हम इसको इस रिंग को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। So, let's एक बार फिर से देखना जाए। This is the sixth planet from the sun. Its volume and nature same as Jupiter, but it's older than the Jupiter. Saturn has 30 known satellites. It is most important 30 known satellites. The planet's most famous feature is prominent ring system. इस planet को उसके ring की वजह से ज्यादा introduce किया जाता है, इसको पहचाना जाता है। So, ring, atmosphere की बात करें, सैटर्न के एटमॉस्फेयर की बात करें, और जो ये रिंग जो क्रिएट होता है उसके एटमॉस्फेयर पे, तो एटमॉस्फेयर जो होता है इसका स्टॉर्मी होता है। स्टॉर्मी मतलब तूफान से भरा हुआ, हवाएं चलती रहती है, वाइंड स्पीड वहां पे क्या होता है, मोस्टली मैक्सिमम होता है, ठीक है, स्टॉर्मी होता है, और क्या होता है, वाइंडिंग होता है। स्टॉर्मी मतलब तूफान से भरा हुआ, वाइंडिंग मतलब हवाएं क्या होती है, कंटिन्यूअस वहां पर चलती रहती है। एटमॉस्फेयर ये हो गया। So, this reason यहां पे क्रिएट होता है क्या, रिंग क्रिएट होता है, इसके आउटर सर्फेस में रिंग क्रिएट होता है, जिसको हम क्या है, टेलीस्कोप की विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप यू हैव वी आल्सो सीन दिस रिंग। रिंग क्या है, आइस पार्टिकल्स से बना होता है, मोस्टली आइस पार्टिकल्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये कोल्डर है, ठीक है, मोस्टली क्या है, आइस पार्टिकल्स बनाता है, डस्ट पार्टिकल्स बनाता है, एंड सम अदर गैसेस इससे मिलकर क्या होता है, कंसिस्ट होता है उसका रिंग। नेक्स्ट टॉपिक, सैटर्न के बाद यूरेनस जो कि सेवन पोजीशन का प्लैनेट है, वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द यूरेनस पोजीशन इज द सेवन पोजीशन इन द सोलर सिस्टम आफ्टर द सैटर्न यूरेनस एंड पोजिशन इज सेवन नंबर। सेकेंड पॉइंट इज दिस इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इट इज द इक्विपमेंट जिसमें हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को सीन करते हैं, देखते हैं। टेलीस्कोप फाउंड किया था गैलीलियो गैलीली, इट इज द साइंटिस्ट जो टेलीस्कोप इक्विपमेंट को फाउंड किया था। सो टेलीस्कोप जब बना तो ये जो यूरेनस है इसको डिस्कवर किया गया, तो इसलिए टेलीस्कोप के साथ साथ इसको फाउंड करने का क्रेडिट किसको जाता है, गैलीलियो गैलीली को ही जाता है। जो फाउंडर है यूरेनस का वो क्या है, गैलीलियो गैलीली है। दिस इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड पॉइंट है, इट हैज 21 नोन सैटेलाइट। यूरेनस को उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस पोजीशन याद रखना है, पोजीशन इज द सेवन पोजीशन। प्लैनेट जो है टेलीस्कोप से इसको क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था, इट हैज 21 नोन सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स
21 known natural satellite. After the Uranus, next planet name is Neptune. Neptune जो कि 8 नंबर का planet है, इसको देख लेते हैं. Next planet Neptune. In the solar system, 8 नंबर planet is Neptune. Now let's see what is the special about in Neptune. First point, this is the 8th planet from the sun. Position is the 8th. Second point, it has 8 satellites. Position 8 hai aur satellites ki number bhi kitne hai? 8 hai. Natural satellites kitne iske? 8. It has 8 natural satellites. सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसका है? सैटर्न का. थर्ड, जो इसको आइडेंटिफाई कराता है नेपच्यून का, इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट. व्हाई इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट? बिकॉज ऑफ बीइंग फॉर अवे फ्रॉम द सन. सन से इसकी दूरी सबसे ज्यादा है. जैसे ये सन है और लास्ट भी क्या है, ये प्लैनेट है नेपच्यून, तो इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इसका हीटनेस और जो इसका लाइट है वो मोस्टली कहां यहां तक नहीं पहुंच पाता. सो यहां पे टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है. सो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द आवर सोलर सिस्टम. सो स्ट्रेंथ, वी ऑल्सो कवर ऑल प्लैनेट्स in our solar system and what is the special about in our all solar system, all planets we also learned. Next topic is our asteroids. It is the some other objects in our universe जो कि कुछ जैसे कि moon हो गया और planets हो गए और जो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग भी हमारे यूनिवर्स में और कुछ अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हेवनली बॉडीज होते हैं, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरॉइड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज और सम अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. यू नो दैट देयर आर सम अदर हेवनली बॉडीज देन द सन एंड द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. Some other type of celestial object, their name is here. First, asteroids. Second, comets. It's also called in Hindi Dhoom Ketu. It is a like star. Third, meteors and meteorites. जैसा कि सोलर सिस्टम में ऑल प्लैनेट्स जो हैं, उसके अलावा भी कुछ अलग तरह के जो हेवनली बॉडीज है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सम अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जैसे कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, धूमकेतु, मेटर्स एंड मेटराइट्स. इसके बावजूद भी यहां पर एक लास्ट और है, स्टार एंड स्टार वर्ल्ड, जिसको हम कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं. कॉन्स्टिलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. स्टार एंड स्टार वर्ल्ड. इन दिस टॉपिक वी रीड मैनी टाइप्स ऑफ स्टार, सप्तऋषि स्टार, ओरियन लाइक एटसेट्रा. नाउ स्टार्ट विथ एस्टेरॉइड्स, विच आर सम अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जो कि हेवनली बॉडी और जो सन है, प्लैनेट है, उनके अलावा भी हमारे यूनिवर्स में है. एस्टेरॉइड्स, लेट्स सी व्हाट इज एस्टेरॉइड्स. दीज आर स्मॉल बॉडीज. स्मॉल बॉडीज मीन इट इज ऑल्सो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. स्मॉल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, विच रिवॉल्व अराउंड द सन. सन का ये भी क्या करते हैं? रिवॉल्वेशन करते हैं. बट सन का रिवॉल्वेशन करते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हमने सीखा है प्लैनेट किसको बोला जाता है जो सन का रिवॉल्व करते हैं फिक्स पाथ पे. सो ये भी क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है सन का
राउंड लगा रहे हैं, उसका रिवॉल्व राउंड कर रहे हैं सन का, बट इट इज नॉट प्लैनेट। रीजन क्या है ये लिखेंगे, सन इन एन ऑर्बिट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये एस्टेरॉइड्स का मोस्टली मार्स एंड जुपिटर के बीच का जो ऑर्बिट है, बीच का जो गैप है, उसके बीच में ये क्या करते हैं सिचुएटेड है और अराउंड लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन का। अब देखो इसको हम प्लैनेट नहीं बोलते क्योंकि इनका कोई फिक्स, जैसे कि लाइक ए प्लैनेट, जैसा कि हमारा मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और ऑल अदर जो प्लैनेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग इनका शेप प्रॉपरली क्या है, राउंड नहीं है, उनका जो शेप है वो शेप की रीजन से इसको हम क्या नहीं बोलते, प्लैनेट नहीं बोलते। सो अगेन रिपीट, दिस आर स्मॉल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। यही से आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि एस्टेरॉइड्स क्या है। एस्टेरॉइड्स स्मॉल बॉडीज हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के, रिवॉल्व अराउंड करते हैं सन का, और जुपिटर और मार्स के बीच में इनका ऑर्बिट होता है। दिस कुड नॉट टेक द शेप ऑफ ए प्लैनेट, इनका जो शेप है वो प्लैनेट की तरह नहीं होता। सो दिस रीजन इट्स कॉल्ड नॉट ए लाइक ए प्लैनेट। एस्टेरॉइड्स जिसको ये क्या है, ग्रह, इनको ग्रह बोला जाता है, प्लैनेट बोला, प्लैनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। इनको हिंदी बोला जाता है क्षुद्र ग्रह, मतलब ग्रह के जैसे इनका जो वर्किंग है, इनका जो क्या बोलते हैं ये जो प्लैनेट की तरह वर्क करते हैं, बट क्या है एक्चुअली में ये प्लैनेट नहीं होते। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमेट्स, धूमकेतु, कॉमेट्स, व्हाट इज कॉमेट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमेट। और नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमेट्स, धूमकेतु, विच इज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। व्हाट इज कॉमेट्स, धूमकेतु इज हिंदी नेम। कॉमेट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज लाइक ए, इससे पहले जो टॉपिक पढ़े हम लोग एस्टेरॉइड्स, उसी की तरह ये भी क्या है, ये भी स्मॉल हेवनली बॉडीज है विच रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी क्या करते हैं, रिवॉल्वेशन करते हैं सन का, जैसे कि एस्टेरॉइड्स जो कि जुपिटर और मार्स के बीच में इनका फिक्स ऑर्बिट होता था, उसी के जैसे ही इनका भी एक ऑर्बिट होता है जो जिसको फॉलो करके ये क्या करते हैं सन का अराउंड लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो कॉमेट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इज स्मॉल राइट हेड विद ए लॉन्ग टेल। ये जिसको देखने से, ये जैसे आप लोगों ने इसमें सुना होगा टूटता हुआ तारा, उसी टूटते हुए तारे को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं। जैसे कि सडनली आसमान पे जैसे हम क्लियर स्काई है उसपे हम देखते रहते हैं, तो कुछ अचानक से एक ब्राइटनेस वाला ऑब्जेक्ट क्या है नीचे की ओर गिरते हुए दिखाई पड़ता है। तो वो कैसे दिखाई पड़ता है, जो उसका ये वाला पार्ट है, ये इसका टेल वाला पार्ट होता है और एक क्या होता है ये हेड वाला पार्ट होता है, इस तरह से पूरा जो पार्ट है वो ब्राइटनेस दिखाई पड़ता है, मतलब चमकीला दिखाई पड़ता है। आगे की ओर ये क्या होता है थोड़ा मोटा होता है और पीछे की ओर क्या होता है टेल जैसा पतला होता है, ठीक है। तो सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज स्मॉल ब्राइट है, ठीक है, इसका जो ब्राइट यहाँ पे ब्राइटनेस का लेवल ज्यादा रहता है इसके कंपेयर पे टेल के कंपेयर पे। तो ब्राइट हेड विद ए लॉन्ग टेल, तो इस तरह से ये क्या होता है नीचे की ओर गिरता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमेट्स बोलते हैं। सडनली ये जो स्काई पे हम लोगों को देखने को मिल जाता है कभी, और जिसको हम देखकर क्या करते हैं विश मांगना शुरू कर देते हैं, जो भी हमारे मन की जो ख्वाहिश रहती है उसको पूरा करने के लिए। ये वैसे तो ये सब मान्यता इवन स्पिरिट्स है, सो वो टॉपिक नहीं हमारा। नेक्स्ट पॉइंट इज देखते हैं द टेल ऑफ द कॉमेट्स ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। ये जो इसका जो ये टेल वाला पॉइंट है ये क्या है, ये क्या बताता है कि ये जो है सन से बाहर की ओर आ रहा है, मतलब ये जो डायरेक्शन एक तरह से होना चाहिए
The tail of the comet always point away from the sun. Here, this line is the most important. The tail of the comets always points away from the sun. ये जो है ये हमेशा point यानी दर्शाता है कि ये sun से बाहर की ओर बाहर आ रहा है. Sun से मतलब निकल रहा है. इस तरह से ये क्या होता है, ये इसका characteristic features है. Comets जिसको हम generally हिंदी बोलते हैं धूमकेतु. So आप लोग को समझ में आया होगा, एक बार फिर से repeat कर लेते हैं. Comets धूमकेतु. Comets are small heavenly bodies which revolve around the sun, like asteroids. Asteroids is also a small heavenly bodies which revolve around the sun, जो कि जिसका fixed orbit होता है Jupiter और Mars के बीच में. But इसका orbit orbit या इसका भी orbit होता है जो कि क्या करता है, revolve करता है around the sun. Its characteristic features is small bright head with a long tail. क्या होता है, इसका एक हेड पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेड और ये पार्ट क्या कहलाता है, टेल. ठीक है, तो हेड पार्ट क्या होता है, स्मॉल ब्राइटनेस होता है जो कि यहाँ पर इसका जो ब्राइटनेस का जो लेवल है वो ज्यादा होता है और टेल के कंपेयर में इसमें हेड में ज्यादा ब्राइटनेस होता है, टेल पे कम होता है. ठीक है, नेक्स्ट, द टेल ऑफ द कॉमेट्स ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन. ये जो टेल है वो पॉइंट करता है कि ये सन से अवे हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन मैटर एंड मेटराइट्स. और नेक्स्ट टॉपिक इज मैटर्स एंड मेटराइट्स. सो लेट्स सी व्हाट इज मैटर्स एंड व्हाट इज मेटराइट्स. फर्स्ट पॉइंट इज शूटिंग और फॉलिंग स्टार. इट्स आल्सो कॉल्ड शूटिंग और फॉलिंग स्टार, बट इट इज नॉट स्टार. स्टार इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि इसका स्टार्स का डेफिनेशन क्या होता है, दे हैव ऑन लाइट. उनका जो खुद का लाइट रहता है जो कि ल्यूमिनस होता है, खुद के लाइट से लाइटेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं. जैसे कि सन और अदर टाइप्स ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं. बट मेन यहां पर इसको बोला गया है फॉलिंग स्टार, बट ये एक्चुअली इट इज नॉट स्टार. बट इसमें ब्राइटनेस होता है, इसमें मतलब इससे लाइट इमिट होता है. देखेंगे क्यों लाइट इमिट होता है इसमें. They are not stars, they are matters. They are not stars, they are matters. Shooting or falling star is to इसके नाम से भी जाना जाता है. अभी actual में star बोलते हैं, but ये star नहीं होता. They are not stars, they are matters. It's also small heavenly bodies like the comet and like the asteroids. It's also celestial object. So because इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था कि सब अदर टाइप ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में जो सिनॉप्सिस जो हमने क्रिएट किए थे, इंट्रोडक्शन जो दिया था, उसमें एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मैटर्स एंड मेटराइट एंड सम अदर स्टार एंड स्टार वर्ल्ड जो नेम है उसके बारे में. तो ये सब क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है या हेवनली बॉडीज बोलते हैं. तो लाइक द कॉमेट एंड लाइक द comet and like the asteroids, which also heavenly bodies, small heavenly bodies that revolve around the sun. ये भी क्या करते हैं, sun का round लगाते हैं. ठीक है, इनका कोई fixed orbit नहीं होता, इनका कोई fixed path नहीं होता और ना ही इनका shape किसी planet की तरह होता है. इनका जो shape रहता है वो अलग अलग, कोई matters ऐसे होते हैं छोटे होते हैं, कोई matters क्या होते हैं, big size के होते हैं, और कोई मैटर्स यहां तक होते हैं कि प्लैनेट के साइज के होते हैं, बट शेप उनका राउंडेड नहीं होता. थर्ड पॉइंट इट्स आल्सो स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. मैटर्स बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन. ये मैटर्स में लाइटिंग कहां से आता है, तो जैसे कि ये देखो, ये अर्थ का सरफेस है और ये हमारा क्या है, स्काई है. ठीक है, तो यहां से ये जब वेरी हाई स्पीड में क्या होते हैं, नीचे की ओर गिरते हैं. ठीक है, हाई स्पीड में क्या होते हैं, जो ये जो हेवनली बॉडीज है जिनको हम मैटर्स बोल रहे हैं, वो जब वेरी हाई स्पीड में क्या होते हैं, नीचे की ओर गिरते हैं, तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में आता है तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है. फ्रिक्शन क्या बोलते हैं, जब कोई सरफेस आपस में रफ होता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है. ठीक है, तो उस फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग वहां से हीट और लाइट, ये दोनों क्या होता है, बाहर आता है.
तो मेटल्स बर्न, फिर वो क्या हो जाते हैं, फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन के मतलब रिजल्ट क्या होता है, वहां पे बर्न हो जाता है वो, ठीक है, मेटल्स बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन। फिर ये जैसे एटमॉस्फेयर पे आते हैं तो ये क्या होता है, आग लग जाता है, बर्न हो जाता है, और वो हमको कैसा दिखाई पड़ता है, नीचे की ओर गिरता है, मतलब स्टार की तरह दिखाई पड़ता है, क्योंकि उससे लाइट इमिट हो रहा है, ठीक है। सो इट इज रीजन इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्या, फॉलिंग स्टार एंड शूटिंग स्टार, ठीक है। तो यहाँ भी नीचे की ओर आता है और ये क्या आपके सरफेस पर फिर ये गिर जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैटर्स। तो यहाँ पे जो बर्निंग स्टार है, बर्निंग जो ऑब्जेक्ट है, बर्निंग जो हेवनली बॉडीज है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर्स बोलते हैं, ठीक है। मैटर्स बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन एंड दे अपीयर एज ब्राइट लाइट इन द स्काई। हियर मैटर्स बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब घर्षण होना, दो सरफेस का आपस में घिसना, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। एंड दे अपीयर एज ब्राइट, फिर क्या होता है, फ्रिक्शन के रिजल्ट में क्या निकलता है, बाहर बर्न होता है, आग लग जाता है उसमें और लाइट बाहर आता है, ठीक है। तो इसे दे अपीयर एज ब्राइट, फिर वो क्या चमकीला दिखाई पड़ने लगता है, लाइट इन द स्काई। और ये क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस पे गिर जाते हैं, फिर ठीक है, जो क्रस्ट वाला पार्ट है, अर्थ का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उस पे ये गिरते हैं। तो ये हो गया मैटर्स, मैटर्स इसके बाद देखते हैं सेम एज लाइक मैटर्स, मैटराइट्स क्या होता है, मैटराइट्स जब कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, ये जो स्मॉल हेवनली बॉडीज हैं, वो कंप्लीटली बर्न ना होकर क्या हो जाते हैं, अर्थ पे गिर जाते हैं, ये बर्न हो जाते हैं। कभी कभी कुछ कुछ मैटर्स या कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते, तो जैसे कि स्काई से नीचे की ओर गिर रहे, बर्न होते होते तो कुछ चीज क्या होगा, नहीं गिरेगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मैटर्स हो गया। जो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाएंगे तो वो कहाँ होंगे, मतलब वो जब उनका जो बर्न है या जो उनमें जो आग है या जो भी है वो क्या हो जाता है, बर्न नहीं हो पाता है, तो वो अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं और वो पूरी तरह से बर्न नहीं होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटराइट्स बोलते हैं। सो सम मैटर्स डू नॉट बर्न अप कंप्लीटली इन द एटमोस्फियर, सम टाइप ऑफ मैटर्स, सम टाइप ऑफ मैटर्स नॉट कंप्लीटली बर्न, ठीक है, सम टाइप ऑफ मैटर्स नॉट कंप्लीटली बर्न, डू नॉट कंप्लीटली बर्न एंड इन द एटमोस्फियर एंड सम पार्ट ऑफ इट फॉल ऑन द अर्थ, ठीक है, और उनका कुछ पार्ट कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते, तो उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, फॉल गिर जाता है अर्थ के सर्फेस पे, जो आउटर मोस्ट पार्ट पे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी अनबर्न बॉडीज को, अनबर्न मतलब जो जला नहीं है, इस बॉडीज को, इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैटराइट्स बोलते हैं। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल स्टार एंड स्टार वर्ल्ड, इट्स ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, सम स्पेशल टाइप ऑफ स्टार लाइक ऑरियन, सप्तर्षि, जिसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार एंड स्टार वर्ल्ड। ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम स्टार के बारे में समझ लेते हैं, व्हाट इज स्टार, स्टार इज लाइट ऑफ देयर वॉन्ड, स्टार एक हेवनली बॉडी है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो कि इमिट करता है लाइट, और लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसका वॉन्ड लाइट होता है। स्टार्स इमिट लाइट ऑफ देयर वन, जो खुद से लाइट इमिट करता है तो वो क्या रहेगा, स्टार। सन इज अवर, सन इज ऑल्सो स्टार, हमारा जो सूर्य है, सन है, वो भी क्या है, एक तरह का स्टार है, क्योंकि उसके अंदर में न्यूक्लियर रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, उससे लाइट इमिट होता है प्लस हीट भी बाहर आता है। सो सन इज ऑल्सो स्टार, स्टार इमिट लाइट ऑफ देयर वन, ये स्टार का डेफिनेशन हो गया। एंड स्टार वर्ल्ड, स्टार वर्ल्ड में इसको स्टार वर्ल्ड में मतलब कॉन्स्टिलेशन होता है, जो कि अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक में इसको अच्छे से कवर करेंगे। कॉन्स्टिलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार होता है। स्टार में पहले देख लेते हैं पोल स्टार, स्टार का आई थिंक स्टार आपको समझ में आ गया होगा, वो स्मॉलर साइज पे दिखते हैं क्योंकि वो फर्दर
हमसे क्या है, फॉर अवे है, हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे सिचुएटेड है, सो इसलिए वो हमको स्मॉल साइज, स्मॉल शेप पे, साइज पे दिखाई पड़ता है। सो दिन के समय भी स्टार होते हैं लेकिन ब्राइटनेस सन का ज्यादा होता है तो वो हमको दिखाई नहीं पड़ते। इन द डे टाइम वी आर ऑल्सो सीइंग स्टार बट द ब्राइटनेस ऑफ द सन इज मच मोर, सो हम उसको क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। पोल स्टार, पोल स्टार के लिए व्हाट इज पोल स्टार, ध्रुव तारा, इसको हिंदी बोला जाता है ध्रुव तारा, इसको डायरेक्शन स्टार भी बोलते हैं, मतलब डायरेक्शन स्टार मतलब ये क्या करता है, डायरेक्शन भी दिखाता है। जो पुराने जमाने में एंशिएंट टाइम्स में जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स मतलब जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाते हैं या जो जहाज शिप्स वगैरह जो चलाते हैं, उनके पास क्या था, कोई टाइम सॉरी डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाला कोई ऐसा खास इक्विपमेंट नहीं था। सो वो पोल स्टार को देख के अपने डायरेक्शन का पता करते थे किस साइड हमको जाना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी है, वो डायरेक्शन इस पोल स्टार से क्या करते थे, पता करते। सो देखते हैं व्हाट इज पोल स्टार। पोल स्टार इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग समझेंगे, जैसे कि आप लोगों ने एक झूला झूला होगा, जैसे इस तरह से झूला रहता है, यहाँ घोड़ा लगा रहता है और ये बीच में ऐसा एक्सिस रहता है जो कि राउंड करता है, या अम्ब्रेला जैसे लेते हैं, अम्ब्रेला में ये क्या होता है, एक स्टिक रहती है बाहर ऊपर की ओर, ठीक है, वो एक्सिस हो गया और उसमें क्या होते हैं, कई सारे रॉड लगे रहते हैं, ठीक है। अगर हम अम्ब्रेला को घुमाते हैं, वो उस एक्सिस को घुमाते हैं, तो वो जो लाइनिंग जो रॉड जो रहते हैं, वो क्या होता है, अपना डायरेक्शन चेंज करने लगता है। बट जो लाइन जो एक्सिस जो रहता है, क्या वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, नहीं, वो अपने ही एक्सिस पे क्या करता है, गोल घूमता है। सो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं समझने के लिए इसमें कि पोल स्टार को हम लोग डायरेक्शन के रूप में कैसे यूज करते हैं। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, और ये अर्थ का एक्सिस है। एक्सिस क्या है, एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन विच मेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब हमको ये भी पता है कि हमारा जो अर्थ है अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेट करता है मतलब घूमता है अपने ही एक्सिस पे, और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, डे और नाइट होता है। सो अगर यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें, वो ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ कोई स्टार है, ठीक है, तो ये स्टार अभी घूम रहा है, तो क्या ये स्टार घूमेगा, इसका डायरेक्शन कहीं इधर उधर हो रहा है, नहीं। तो इसी चीज को इस्तेमाल किया जाता है पोल स्टार में डायरेक्शन के लिए। पोल स्टार इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। अर्थ के एक्सिस पे ये स्टार क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। इट डज नॉट अपेयर टू मूव, और ये यहां से मूव नहीं करते। स्टार्स जो होते हैं मूव करते हैं, और अदर टाइप ऑफ स्टार्स जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। बट ये जो स्टार है पोल स्टार, वो क्या होता है, अपने एक्सिस जो है अर्थ का जो एक्सिस है उसके डायरेक्शन से ये मूव, यहां नहीं जाते, यहां नहीं जाते, अपने ही एक्सिस पे क्या करते हैं, सिचुएटेड रहते हैं, मतलब एक फिक्स मतलब पोजीशन पे क्या होते हैं, सिचुएटेड रहते हैं। सो इसलिए क्या होता है, इनको हम लोग डायरेक्शन को पता लगाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तारे को देखकर जो सेलर्स जो रहते हैं नाइट पे, इस तारे को देखकर समझ जाते हैं कि हम इस डायरेक्शन पे हमको आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार देख लेते हैं फिर से आगे। पोल स्टार इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। सिचुएटेड कहाँ है, अर्थ के एक्सिस के डायरेक्शन पे सिचुएटेड। ये अर्थ का एक्सिस का डायरेक्शन ये ठीक है, इस पे इनका सिचुएशन। सेकेंडली इट डज नॉट अपेयर टू मूव, और ये यहां से मूव नहीं होता। सो इसका इसी चीज का इस्तेमाल करके इसको हम डायरेक्शन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर कॉन्स्टेलेशन। Constellation which are also called group of stars. Star and star word. Next of is constellation. Constellation means group of star. जैसे कि हम in the open sky हम देखते हैं, we have count many type of sky. मतलब हम देखते हैं बहुत अनगिनत uncountable जो क्या बोलते हैं stars होते हैं हमारे sky पे। तो कभी हम देखेंगे जैसे गांव वगैरह पे बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा जोड़ते रहते हैं, एक शेप पर्टिकुलर कोई शेप बनाते रहते हैं। सो ऐसा जो कॉन्स्टेलेशन है, कई सारे स्टार्स को आपस में ग्रुप करके
कोई अलग अलग पैटर्न जो रेडी होता है वो इस कॉन्स्टेलेशन पे हम लोग इसको स्टडी करेंगे. द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट एज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप. रिकॉग्नाइजेबल शेप मतलब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे उर्सा मेजर, द ग्रेट बियर, या इसको बिग सप्तऋषि भी बोलते हैं. ठीक है, उर्सा मेजर, द ग्रेट बियर, ये क्या है, सेवन प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं, सात ऐसे सात तारे होते हैं जिनका पैटर्न इस तरह से बनता है, और इन्हीं पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन भी बोलते हैं. तो सेवन प्रोमिनेंट स्टार्स में जो बनता है उर्सा मेजर, द ग्रेट बियर. ये दिख रहा है आप लोग की ये पैटर्न, यहाँ पर ये सेवन स्टार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिखने पे ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, ये जैसे लाइक ए स्पून, स्पून जैसे कि ये क्या है, उसका हैंडल है, जैसे स्पून देखे हो आप लोगों ने, स्पून का एक पार्ट होता है, दो पार्ट इस तरह से होता है स्पून, इस तरह से. तो ये क्या है, उसका हैंडल की तरह रिकॉग्नाइज हो रहा है यहाँ पर. और ये क्या है, उसका पैन, पैन जो गड्ढा जो रहता है जिसे हम बाहर किसी चीज को बाहर निकालते हैं, वो स्पैन की तरह दिख रहा है. सो इट इज ऑल इट इज कॉन्स्टेलेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, उषा मेजर एंड द ग्रेट बियर. ये क्या है, बिग सप्तऋषि भी बोला जाता है. इसी तरह से ये उषा माइनर भी होता है, मेजर. जब इसका शेप और साइज बड़ा हो गया तो उषा मेजर हो जाएगा, और जब उसका शेप छोटा होगा मतलब इनकी जो इनका जो डिस्टेंस बीच का वो थोड़ा पास हो जाएगा तो क्या होगा, असीम इसी तरह का शेप रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उषा माइनर. ठीक है, जो कि क्या है, कॉन्स्टेलेशन. नेक्स्ट स्टार देखेंगे ओरियन. ठीक है, ओरियन जो है ये भी सेवन स्टार है, काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह का शेप दिखाई पड़ता है ओरियन. ठीक है, जिसमें ये वाला पार्ट क्या है, कमर जैसा दिखाई पड़ता है, ये दो लेग्स है, और ये ऊपर किसी ह्यूमन बॉडी की जैसा ये दिखाई पड़ता है. अगर इसको हम इमेजिन करें तो इस तरह से ये एक ड्रेस की तरह भी दिखाई पड़ता है. सो ये भी क्या है, माइनी ग्रुप ऑफ स्टार्स के बना है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ओरियन बोलते हैं. यहाँ पर सो द शेप ऑफ द कॉन्स्टेलेशन ऑल्सो रिमेन द सेम, और ये जो शेप्स रहते हैं वो जब सेम रहते हैं इस तरह से दिखाई पड़ते हैं तो उनको नाम दीजिएगा उषा मेजर, द ग्रेट बियर, बिग सप्तऋषि, माइनर उषा माइनर, ओरियन करके. ठीक है, द कॉन्स्टेलेशन व्हिच कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड. ये जो कॉन्स्टेलेशन है उनको हम आसमान पर जैसे स्काई पे देख रहे हैं तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं. इट इज द बिग सप्तऋषि, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बिग डिपर. इनको हम क्या बोलते हैं, बिग डिपर भी बोलते हैं, जो कि सेवन प्रोमिनेंट स्टार से मिलकर बना होता है. नेक्स्ट स्टार जो है वो है सीरियस, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है सीरियस. ठीक है, इसका पैटर्न हम समझेंगे कि ये ब्राइटेस्ट स्टार कैसा होता है, दिखने भी सेम इस तरह का दिखता है. लेकिन अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, उषा मेजर का जो लास्ट स्टार है ये डायरेक्टली जो पोल स्टार हम लोगों ने पढ़ रखा था, पोल स्टार जो कि एक्सिस पे रहता है, तो इस उषा मेजर से भी हम क्या करते हैं, इंडिकेट मतलब जो डायरेक्शन क्या है उसका पता लगा सकते हैं. ये लास्ट जो स्टार है, लास्ट पे जो एंडिंग पॉइंट पे जो स्टार है, इसके इसको इससे हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं पोल स्टार से, मतलब इससे रिलेट करते हैं. और पोल स्टार जिसको हम क्या बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट डायरेक्शन जो शो करता है पोल स्टार, तो इस स्टार के मतलब इस स्टार के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्शन का पता कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है सीरियस स्टार, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है. सीरियस इट इज द कॉन्स्टेलेशन एंड ऑल्सो नोन द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई. ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई लाइक ओरियन. ओरियन जिसका शेप हम इस तरह पढ़े थे ओरियन, जो कि ये दिखने पे ये हंटर जैसा दिखाई पड़ रहा है. ठीक है, या इसको काल पुरुष भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो अगर इसको हम इमेजिन करें तो इस तरह से, अगर यहाँ पे इस तरह से जोड़ देते हैं, ये हैंड जोड़ देते हैं. ठीक है, तो और ये लास्ट का जो लास्ट का ये पोल स्टार से, अगर ऐसा ये जैसे पोल स्टार है यहाँ से इसको ऐसा करें तो ये काल पुरुष जैसा, या काल पुरुष बोलते हैं, या फिर ये हंटर जैसा शो करता है, जो कि ओरियन था. ठीक है, लेकिन लाइक ओरियन है, ओरियन की तरह ये भी क्या होता है, जो सीरियस जो है, ये जो स्टार्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सिक्स सेवन, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे एट स्टार्स जो ये मिडिल पॉइंट पे जो कमर वाला पोर्शन है वहां पे भी क्या होता है एक स्टार सी होता है, मतलब दिखता है। तो ये इनका जो ब्राइटनेस अगर ज्यादा होता है, ठीक है, ये जो ऑल स्टार्स हैं ये थिकेस्ट ब्राइट होते हैं, मतलब एकदम चमकीले जब होते हैं तो वो स्टार क्या कहलाता है, सीरियस कहलाता है, ठीक है। और ये क्या है, सीरियस स्टार जो है हमसे 8.7 लाइट ईयर, लाइट ईयर के बारे में बताया था, ठीक है, पर सेकेंड जो काउंट करते हैं वन ईयर पे, सॉरी लाइट जो है पर जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करता है उसको पर सेकेंड पे जो काउंट करते हैं उसको लाइट ईयर बोलते हैं। तो सीरियस 8.7 लाइट ईयर हमसे क्या है, अवे है उनकी, मतलब हमारे अर्थ की पोजिशन से 8.7 लाइट ईयर अवे है, ठीक है। तो आई होप ये सीरियस आपको समझ में आएगा। तो ब्राइटेस्ट स्टार लाइक ओरियन, जैसे ओरियन की तरह ही इसका शेप होता है, बट क्या होता है ये ब्राइटनेस होता है, कभी कभी इसमें 7 से 8 स्टार्स भी क्या होते हैं दिखाई पड़ते हैं। सो आई होप स्टूडेंट ये चैप्टर आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।